मौजूद है लालगंज के लालगंज बसंता घाट पे, जहां अब गंडक नदी में जो है अब तेज लहर उठ रही है और लगातार जो पानी का रेशियो है अब बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने देखिए पूरी तैयारी कर ली है कि किसी प्रकार का अगर कटाव होगा तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाए, उसके लिए पूरी तैयारी कर दी गई है और यहाँ पे पूरा जो टीम है जिला प्रशासन को उसको तैनात कर दिया गया। 24 घंटे खुद ADM आपदा विभाग सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं और लगातार जो तेज बहाव है वह अब तेज हो चुका है और देखिए गंडक में जो पानी का लहर है वो काफी अब तेज है, जिसको लेकर जो वैशाली DM है वह लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार घाटों का हर घाट का निरीक्षण कर रहे हैं और टीम की तैनाती कर दी गई है। मेरे साथ आपदा विभाग ADM है, उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार की तैयारी है। सर, किस प्रकार की सर तैयारी की गई है? पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है, 24/7 के रूप में जो है कर्मियों की प्रतिनिधित्व की गई है कि तटबंध की सुरक्षा सुरक्षित तरीके से कराया सके, चाहे वो रामदौली हो, फुलार हो, ताकियाबाद हो या बाला बसंता हो, इसके अतिरिक्त भी 2-2 किलोमीटर पे दूरी पर पदाधिकारियों की प्रतिनिधित्व की गई है। इसके अतिरिक्त SDRF की टीम प्रतिनिधित्व की गई, इनके साथ 4 रबर बोट हैं, पर्याप्त संख्या में नावों को पूर्व में ही चिन्हित कर लिया गया है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है जो भी रिवर साइड पे व्यक्ति हैं वो बाहर आ जाए, उनको निकालने की कार्रवाई आवश्यकता अनुसार की जाएगी। जो बोरा के स्टॉकिंग है वो भी कर लिया गया है, लगातार JEE कार्यपालक मूवमेंट में बने हुए हैं, तो प्रयास है, हर समय प्रयास है जिला प्रशासन का की ओर से, जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा रात में दिन में स्वयं मूवमेंट किया जा रहा है, तटबंधों की सुरक्षा के संदर्भ में दिशा निर्देश दिया जा रहा है। ये पूर्ण विश्वास से जो भी पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है इसको हम लोग अच्छे से कंट्रोल में कर लेंगे। अब कितना पानी बढ़ा है क्या इसे? आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं पानी जो छोटा है, लगभग 6 लाख के आसपास जो छोटा है पानी जो है वो धीरे धीरे बहाव तेज होते जा रहा है, वो आते जा रही है, पानी में गति भी है लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है और सभी जो JEE साहब कार्यपालक सभी फील्ड में मुस्तैद हैं, सारे पदाधिकारी मुस्तैद हैं। देखिए बता रहे थे कि पूरी जो व्यवस्था है प्रशासन की ओर से पूरा पुख्ता कर लिया गया है कि किसी प्रकार की समस्या को जिला प्रशासन निपटने के लिए तैयार है, उसके लिए पूरा जो जिला प्रशासन की टीम है और खुद DM जो है लगातार वो तटबंधों का मूवमेंट कर रहे हैं, दिन हो या रात हो खुद लगे रहते हैं, जिसके बाद उनके अधिकारी भी जो है लगातार बांधों पर मूवमेंट कर रहे हैं। गंडक में पानी लगातार बढ़ रहा है जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है और सभी को ऊंचे स्थान पर जाने का आदेश दे दिया गया है, कोई भी व्यक्ति तटबंध के आसपास या नदी में मूवमेंट ना करे, इसको लेकर प्रशासन ने पुलिस बल की भी तैनाती की है।